स्वागत है आप सभी का धीर टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज को। लेते हैं सबसे पहला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए रतन टाटा, बी नरेंद्र मोदी, सी सचिन तेंदुलकर अथवा ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी रतन टाटा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा को कारोबार जगत में उनके काम और उनकी परोपकारिता के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सम्मान से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत 14 फरवरी 1975 को रानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा किया गया था। आमतौर पर यह पुरस्कार ऐसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को दिया जाता है जो अपने काम से ऑस्ट्रेलिया या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक बदलाव करते हैं। हालांकि कभी कभी यह पुरस्कार उन लोगों को भी दिया जाता है जो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नहीं हैं। ऑर्डर के कई समूह हैं। सम्मानित व्यक्ति इन समूहों में से किसी एक में शामिल हो जाता है। इन समूहों के नाम इस प्रकार हैं: नाइट आर डैम, दूसरा है कॉम्पेनियन, तीसरा है ऑफिसर, चौथा है मेंबर और पांचवा है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेते हैं दूसरा प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 19 अप्रैल, बी 20 अप्रैल, सी 14 अप्रैल अथवा ऑप्शन डी 22 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी 22 अप्रैल। व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया भर के देश हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी और इसके वातावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए यह पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। साथ ही विश्व पृथ्वी दिवस का ये 53वां आयोजन होगा, संस्करण होगा बेसिकली। लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, मलखंब खेल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट असत्य है यानी गलत कथन आइडेंटिफाई करना है? पहला, भारत में इस खेल की शुरुआत 12वीं सदी में महाराष्ट्र में हुई थी। दूसरा, ये मध्य प्रदेश का राज्य खेल भी है। तीसरा, ये अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हिस्सा नहीं बन पाया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल तीन अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल तीसरा वाला स्टेटमेंट वो गलत है। पहला वाला दूसरा वाला सही है। व्याख्या देख लेते हैं। मलखंब या मल्लखंब दो शब्दों मल्ल और खंब से मिलकर बना है। मल्ल का अर्थ होता है पहलवान या बलवान और खंब का मतलब है खंभा। यह भारत का एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के खंभे या रस्सी के ऊपर नाना प्रकार के करतब दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल के 3 स्वरूप प्रचलित हैं, फिक्स अथवा स्थायी मलखंब, हैंगिंग मलखंब और शेप मलखंब। बताया जाता है कि भारत में इस खेल की शुरुआत 12वीं सदी में महाराष्ट्र में हुई थी। इस खेल को लोकप्रिय बनाने में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अहम भूमिका निभाई थी। दादा बालमधर देवधर मलखंब के गुरु माने जाते हैं। साल 2013 में मध्य प्रदेश ने मलखंब को राज्य खेल का दर्जा प्रदान किया था। मध्य प्रदेश सरकार इस खेल से संबंधित प्रभाष जोशी पुरस्कार भी प्रदान करती है। आपको बता दें कि ये खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हिस्सा बन चुका है। अभी लखनऊ में एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉलेज है जहां ये फैसला लिया गया है कि अब मलखंब की भी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण वहां पर दिया जाएगा। लेते हैं चौथा प्रश्न, एनोफिलीस मच्छर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं? पहला है डेंगू, दूसरा पीत ज्वर, तीसरा चिकनगुनिया अथवा चौथा है मलेरिया। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक और दो, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 4 अथवा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल चौथा वाला यानी मलेरिया ऐसा है जो एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, बाकी किसी और मच्छर के काटने से होते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। एडीस मच्छर के काटने से डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है, जबकि एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आपको बता दें कि भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 24 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया प्रशांत नेताओं के सम्मेलन का एक आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि साल 2030 तक मलेरिया को कैसे समाप्त किया जाए, इस दिशा में कार्रवाई को कैसे और गतिशील बनाया जाए, इस पर विचार करना है। लेते हैं आज के इस एमसीक्यूज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए राधा विनोद पाल, बी शंकरन नायर चित्तूर, सी अनंत शास्त्री डोंगरे अथवा ऑप्शन डी महाराजा बलवंत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी शंकरन नायर चित्तूर। व्याख्या देख लेते हैं। सी शंकरन नायर का जन्म 11 जुलाई 1857 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। ये एक भारतीय न्यायविद,
एवं राजनेता थे। ये साल 1897 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। साल 1919 में जब जलियांवाला नरसंहार हुआ था तो उस वक्त ये वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्य थे। उस समय ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा रखा था, जिसकी वजह से शंकरन को इस घटना के बारे में पता नहीं चल पाया। लेकिन बाद में जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 24 अप्रैल 1934 को शंकर नायर का निधन हो गया था, यानी आज ही के दिन आज इनकी पुण्यतिथि है। खैर, ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए, गलत हुए तो क्यों गलत हुए। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जम के पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।